चले। आकाश ये तो वही लड़का है बलदेव का दामाद विजय चोपड़ा। ये विजय चोपड़ा नहीं है, ये विजय का किडनैपर है। आकाश ये सब क्या है? सर मैं आपको बताने ही वाला था सर। चल अदर चल। मुझे लगता है इसे वर्षा का पता मालूम है। अच्छा अंजलि के फार्म हाउस पे। फार्म हाउस पे? तुम्हें अंजलि नाम से प्यारी कि मुझसे? दोनों से। दोनों से नहीं विजय, तुम्हें सिर्फ एक से प्यार करना होगा। क्या मतलब है? मेरा मतलब है मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो बताओ ना। विजय तुम जिसे अंजलि समझकर प्यार करते हो वो अंजलि नहीं बल्कि नहीं बरसना नहीं। पापा, मैंने जो भी किया अंजलि के लिए पापा। लेकिन वर्षा मुझे डर है कहीं तेरी कुर्बानी बेकार ना जाए। पारसनाथ, वाह, बाप और बेटी दोनों शामिल है इस चक्कर में है? अपनी बेटी की शादी किसी ऊंचे खानदान में हो इसलिए ये सब कुछ किया तुम दोनों ने? पैसों के लिए तुम दोनों इतना गिर सकते हो ये मैं सोच भी नहीं सकता। अरे नहीं नहीं बलदेव, ऐसी बात नहीं है, तू गलत समझ रहा है यार। यार तो... कहकर मत बुला मुझे हरामखोर। बलदेव बस बस। बलदेव तू मेरा दोस्त था लेकिन मैंने हमेशा तुझे मालिक का दर्जा दिया। तेरे तेरे बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए बेशक दिमाग तेरा लगा लेकिन खून मेरा जला, पसीना मेरा बहा। अगर तेरी दौलत का लालच होता तो कभी की तेरी प्रॉपर्टी बेचकर तुझे सड़क पर खड़ा कर दिया होता मैंने। लेकिन मैं थूकता हूं इसी दौलत पर, थूकता हूं तेरे खानदान पर। अरे पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी तेरे लिए। और एक बात सुन ले, आज ये इसी खून का असर है जो मेरी बेटी ने तेरी बेटी के लिए अपनी कुर्बानी दी। लेकिन तुझे तो पैसों का घमंड है ना, कुर्बानी कहां समझते हो तुम लोग? चल बेटी। अंजलि ने किया ये सब। तलवे। सॉरी सर। आई नो मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। ओके आकाश, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? सिर्फ एक प्रिंसिपल? नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से। आपने तो मुझे कभी इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं एक अनाथ हूँ। हूँ नहीं था। जी सर। ये लीजिए। विजय, यू आर नॉट ए चाइल्ड, तुम बच्चे नहीं हो कि किसी ने तुम्हारी उंगली पकड़ी और उसके साथ चलती है। अरे बस कर यार, इतने बड़े बेटे को डांट रहा है महेशु। अरे इसे तो पता भी नहीं कि असली अंजलि कौन है। बल्लू तुम समझते नहीं हो। तुम समझते नहीं हो। अरे जयदेव। जी भाई साहब। चोरों की तरफ क्यों घुस रहे यार, सारे कार्ड बढ़ गए। जी भाई साहब, कार्ड तो सारे के सारे बढ़ गए। बहुत प्यारा। लेकिन आपके दोस्त करतार सिंह से मुलाकात नहीं हो पाई। ओ करतार, किसी कतार में खड़ा होगा। भाई साहब। अरे भैया मैंने उसे फोन करके बता दिया, वो अपने आप आ जाएगा। सुनते हो, आप लोग की बातें अगर खत्म हो गई हो तो जरा यहाँ तशरीफ लाएंगे। क्यों, वहाँ पे क्या है? आइए भी। अच्छा अच्छा, चल भैया महेशु, चलकर देखते हैं तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी होने वाली बहू के लिए क्या क्या पसंद किया है। चल चलिए। और ये ज्वेलरी है ना? हाँ जी कहिए। अंजलि के लिए जो हमने ज्वेलरी ऑर्डर किए थे वो तो लाए ही नहीं, बाकी ढेर सारा लाए हैं। इनमें से मैंने 6 रख लिए हैं। 6? सिर्फ 6? अरे अच्छे हैं सारे के सारे। भैया सारे के सारे रख लिए। और ये साड़ियाँ जरा देख लीजिए। ये जरा गड़बड़ कलर है यार, कलर तो अच्छा लाते। रख लो सब कुछ रख लो। पर भाई साहब, डायमंड वाला सेट अभी तक आया नहीं है। लो क्या कर रहे हो यार, किसी और को पहना रखा है क्या? बल्लू ये इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? मैं चाहता हूँ कि शादी बिल्कुल सिंपल हो। देख यार, मैं जो चाहता हूँ वही होगा। मेरी इकलौती बेटी है, मेरी सारी तिजोरी खाली हो जाए ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुझे क्या प्रॉब्लम है यार, सारा माल तो तेरे ही घर आ रहा है। तू नहीं सुधरेगा। क्या कहते हो जयदेव?
जी भाई साहब ये ले, ये जी भाई साहब से आगे बढ़ा ही नहीं है। दीजिए सर, मैं अंजलि के बिना नहीं जी सकता। प्लीज सर, एक बार मुझे अंजलि से मिलवा दीजिए, कैसे भी करके। प्लीज सर। डोंट वरी पुत्र, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आकाश अपने आप को संभालो, हौसला रखो। तुमसे दिल क्या लगा लिया, तुमसे दिल क्या लगा लिया हमने, तुमसे दिल क्या लगा लिया हमने, खुद को पागल बना लिया हमने, खुद को पागल बना लिया दिल क्या लगा लिया। अब ये क्या सजा लिया हमने, तुमसे दिल क्या लगा लिया। सोचो हमारे बारे में, दिल को पत्थर बना लिया हमने,
तुमसे दिल क्या लगा लिया हमने। तेरा बाप हूं बेटा, दुश्मन नहीं। बीती बातों को भूल जा और विजय के बारे में सोचना छोड़ दे। जा, जाके खाना लगा दे। आकाश तुम कहां हो? अंजलि, डिनर के लिए सब लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी नाराजगी तो हम सबसे होनी चाहिए अंजलि, खाने से नहीं। अगर तुम्हें मेरी इतनी चिंता है तो फिर शादी से इनकार क्यों नहीं कर देते? अंजलि प्लीज गो अवे, लीव मी अलोन। संभालो, पागल मत बनो। जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचो भी मत। देखो विजय अच्छा लड़का है। ये शादी मत करो माँ, मैं आकाश के बिना मर जाऊंगी। और सुना, चाय तो अच्छी है। पापा, 15 दिन के बाद आप लोग मेरी शादी अंजलि से कर रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने अंजलि से कुछ बात भी नहीं की। अरे? मैं उसे समझने के लिए उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। अकेले में मैं उसे बाहर ले जाना चाहता हूँ, अगर अंकल आपको कोई एतराज न हो तो। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं बेटे, खुशी खुशी जा जा। थैंक यू अंकल। बोलो, तुम्हारा एक दोस्त है ना करतार सिंह? अंजलि ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, ओके? सर हम यहाँ क्यों आए हैं? अभी मालूम पड़ जाएगा बेटा। हाँ सर। लो आगे। अंजलि। हेलो जी। हेलो सर। हाय। हाय। अंजलि, तुम्हारी मंजिल। आकाश। अंजलि। आकाश। I love you. I love you too. दिल सुन ऐ सनम, हो जाएंगे दीवाने हम। अच्छा नहीं हाँ। दीवाना बन अच्छी नहीं, दिल की लगन तेरी इसी अदा पे हम मर गए। पागल हो क्या कर गए? कहता है दिल सुन ऐसा नम, हो जाएंगे दीवाने हम। कभी प्यार में नजरें चुराना नहीं, दिल में ही तुम रहना सनम, अब दूर जाना नहीं। नजरें मिलाकर कभी प्यार में नजरें हो, दिल में ही तुम रहना सनम,
जान भी दे दूंगा मैं इस प्यार में। दिल सुन ऐसा नम हो जाएंगे दीवाने हम। सनम हो जाएंगे दीवाने हम।